नमस्कार दोस्तों, हर्ष द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। सो शुड जम्मू एंड कश्मीर बी गिवन स्टेटहुड? देखिए, आप सबको मालूम है दोस्तों, रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हुए। टोटल 90 सीट्स हैं, उसमें से 49 सीट्स INDIA अलायंस ने जीता, जिसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला अभी चीफ मिनिस्टर बने हैं, और पहले से जम्मू एंड कश्मीर का एक डिमांड रहा है कि उन्हें स्टेटहुड चाहिए। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट था ऑलरेडी, उसे बाइफ्रिकेट करके दो यूनियन टेरिटरीज बनाए थे, आपको मालूम है। और जम्मू एंड कश्मीर ऐसा यूनियन टेरिटरी बनाया जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, जैसे कि पुदुचेरी में है, ठीक है, और दिल्ली में है। और अभी फिर से ये डिमांड उठ के आ रहा है कि उन्हें स्टेटहुड चाहिए। रिसेंटली उमर अब्दुल्ला का एक स्टेटमेंट भी रहा कि जब तक हमें स्टेटहुड नहीं देंगे तो हम अपने जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का राइट्स को इंश्योर नहीं कर पाएंगे। पहले क्या था कि ऐसा कुछ रूल्स था कि जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं वही उधर के प्रॉपर्टीज़ वगैरह, लैंड वगैरह ओन कर सकते हैं, पर अभी तो ऐसा नहीं है। तो इन्हें वो सारे फैसिलिटीज़ अभी वापस चाहिए। रिसेंटली उमर अब्दुल्ला होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मिले भी है, और कई सारे ओपोजिशन लीडर्स का भी स्टेटमेंट आ रहा है आजकल, उसे ऐसे पॉलिटिकल टूल यूज़ कर रहा है कि इट इज़ इम्परेटिव टू इमीडिएटली रिस्टोर द स्टेट टू जे एंड के। रिसेंटली फॉर्मर मिनिस्टर पी चिदम्बरम जी का भी एक स्टेटमेंट आया था। तो हम इस पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड देना चाहिए या नहीं, प्रोस एंड कॉन्स हम डिस्कस करेंगे। वैसे मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊँ, जम्मू एंड कश्मीर में रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ दैट वॉज पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सोलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था कि जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटस है ऐसे यूनियन टेरिटरी, इट इज़ ओनली टेम्पररी, ठीक है। तो मिस्टर मेहता का सबमिशन को सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड किया था। इसके बाद जो जजमेंट दिया उसमें बोला गया कि असेंबली इलेक्शंस कंडक्ट करना होगा जम्मू एंड कश्मीर में सितंबर 30, 2024 से पहले। ये सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दिया था ऑन बेसिस ऑफ द सबमिशन ऑफ मिस्टर तुषार मेहता, हु इज़ द सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके मुताबिक इलेक्शंस हुए और रिजल्ट्स मैंने आपको बताया, ठीक है। तो जब ये हियरिंग चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठा हुआ था, क्योंकि कई सारे प्लीज सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए थे कि आर्टिकल 370 का जो अब्रोगेशन हुआ वो वैलिड नहीं है वगैरह। पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला आर्टिकल 370 का अब्रोगेशन सही है, अपहेल्ड किया था उस चीज़ को। पर सुप्रीम कोर्ट ने एक क्वेश्चन उठाया था, सोलिसिटर जनरल हु इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनसे ये पूछा वेदर द पार्लियामेंट कुड एक्सटिंग्यूश द कैरेक्टर ऑफ स्टेटहुड बाई कन्वर्टिंग ए स्टेट इन टू वन ऑफ मोर यूनियन टेरिटरीज इन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें काफी इंटरप्रिटेशन हो सकता है। बेसिकली आर्टिकल 3 अगर आप चेक करोगे, इट स्पेसिफाइज द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू फॉर्म ए न्यू स्टेट आउट ऑफ एन एक्सिस्टिंग स्टेट और बाई यूनाइटिंग टू मोर स्टेट्स और टेरिटरीज और बाई जॉइनिंग एनी टेरिटरी टू ए स्टेट। तो आर्टिकल 3 में क्लियरली लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के पास पावर है एक नया स्टेट फॉर्म करने का एक एक्सिस्टिंग स्टेट से, या फिर दो और दो से ज्यादा स्टेट्स को इकट्ठा करके यूनाइट करके एक स्टेट बना सकते हैं, या फिर टेरिटरीज को ज्वाइन कर सकते हैं एक स्टेट में। ये लिखा हुआ आर्टिकल 3 में, और ये आर्टिकल 3 के अंदर जो पावर है उसी को यूज करके जम्मू एंड कश्मीर का बाइफिकेशन हुआ था देखा जाएगा तो। बट आर्टिकल 3 में ये चीज एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, कार्विंग ए फुल फ्लड स्टेट इन टू यूनियन टेरिटरीज टू ब्रिंग इट डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंटर। मतलब एक फुल फ्लड स्टेट को बाइफिकेट करके दो यूनियन टेरिटरीज बना के उसे सेंटर के कंट्रोल में ला सकता है या नहीं, ये आर्टिकल 3 में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, बट इट कैन बी इंटरप्रेटेड। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इस सवाल को हम फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए ओपन रखेंगे। तो अभी तक ये सवाल जो है, ये पॉइंट जो है, क्लोज्ड नहीं है। तो और भी प्लीज पहुंच जाए सुप्रीम कोर्ट में, तो वो प्लीज को भी स्क्रूटनी करके सुप्रीम कोर्ट बाद में एक जजमेंट दे सकता है ये सही है या नहीं, ठीक है। तो अभी के हिसाब से आपको मालूम है दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी विच विल बी हैविंग ए लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑलरेडी लेजिस्लेटिव असेंबली उधर फॉर्म हुआ है। तो अब डिमांड आ रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसे स्टेटहुड देना चाहिए पहले जैसा, बेसिकली रिस्ट्रेशन ऑफ स्टेटहुड होना चाहिए, ठीक है। तो इसके कई सारे प्रोज एंड कॉन्स है जो हमें एनालाइज करना है। बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर को अगर स्टेटहुड देंगे, इसका पॉजिटिव साइड्स और नेगेटिव साइड्स क्या क्या होगा, थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोस ऑफ ग्रांटिंग स्टेटहुड टू जम्मू एंड कश्मीर, कुछ पॉइंट्स है हमारे पास। नंबर वन, रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स। देखिए, एक स्टेट को, बेसिकली एक रीजन को स्टेटहुड देने से इट वुड रिस्टोर द लेजिस्लेटिव पावर्स। बेसिकली यूनियन, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन का सेवेंथ शेड्यूल में
तीन लिस्ट है, आपको मालूम है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है वो सबका जुरिस्डिक्शन स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगा जब एक रीजन को स्टेटहुड मिल जाएगा, जो आज की डेट में यू नो जम्मू एंड कश्मीर के पास नहीं है। ठीक है, सो स्टेटहुड वुड रिस्टोर द लेजिस्लेटिव पावर्स, डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द पीपल, एनेबलिंग दम टू हैव ए स्ट्रॉन्गर से इन गवर्नेंस। तो ऑब्वियसली जब स्टेटहुड मिलेंगे तो बेसिकली गवर्नमेंट के पास पूरे लेजिस्लेटिव पावर्स आ जाएंगे, लोगों के पास डेमोक्रेटिक राइट्स होंगे जो होना चाहिए एक फेडरल सिस्टम में, है कि नहीं। तो गवर्नेंस में उनका एक स्ट्रॉन्गर से या स्ट्रॉन्गर वॉइस होगा। ठीक है, आज की डेट में जब वो यूनियन टेरिटरी है ना, तो उसका एक डायरेक्ट कंट्रोल रहता है सेंटर का, जैसे कि पुदुचेरी में, दिल्ली में, क्योंकि सेंटर क्या करते हैं, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट कर देते हैं, ये बात आपको मालूम होगा। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी कई सारे पावर्स है, जैसे कि दिल्ली में ऑलरेडी इश्यूज चल रहा है दोस्तों, दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी बोल के लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया है, और दो तीन साल पहले दिल्ली नेशनल कैपिटरी अमेंडमेंट बिल एक आया था जिसमें लेजिस्लेटिव पावर्स बहुत ज़्यादा दिया, एग्जीक्यूटिव पावर्स बहुत ज़्यादा दिया लेफ्टिनेंट गवर्नर को। बेसिकली दिल्ली का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले सकते विदाउट द कंकरेंस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। सो अरविंद केजरीवाल जी और विनय सक्सेना जी के बीच में काफी इश्यूज हुए थे, हमने काफी बार डिस्कस भी किया है। तो ये सब अभी हो सकता है जम्मू एंड कश्मीर में भी। ठीक है, तो अगर स्टेटहुड प्रॉपर तरीके से स्टेटहुड अगर जम्मू एंड कश्मीर को देंगे तो इट वुड ऑब्वियसली रिस्टोर द लेजिस्लेटिव पावर्स एंड डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द पीपल देयर। और उधर के जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो मोर अकाउंटेबल होगा लोगों के लिए, लोगों को वही पसंद होगा, है कि नहीं। सेकंड पॉइंट आप बोल सकते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड ऑटोनॉमी। तो देखिए स्टेटहुड प्रोवाइड करने से ग्रेटर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएंगे, ऑटोनॉमी भी मिल जाएंगे लोकल इश्यूज को हैंडल करने में, मतलब वो रीजन अपने रीजनल नीड्स एंड कंसर्न्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नेंस के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। फिर इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी आ जाएगा। देखिए स्टेट गवर्नमेंट अपने लोकल इकोनॉमिक नीड्स को, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स को, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारे नीड्स को बेटर तरीके से एड्रेस कर सकते हैं जब उन्हें स्टेटहुड मिल जाएगा या फिर एक फुल फ्लेज स्टेट गवर्नमेंट बन जाएगा। और डिसीजन मेकिंग और एफिशिएंट हो सकता है, रीजन के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो अपने डिसीजंस को टेलर कर सकते हैं। तो ये सब फायदा है जब स्टेटहुड मिल जाएगा जम्मू एंड कश्मीर को। एंड जम्मू एंड कश्मीर यू नो टूरिज्म के लिए काफ़ी फेमस है, बट अनफॉर्चुनेटली जम्मू एंड कश्मीर के आज की जो स्थिति है जो उतना ठीक नहीं है, यू नो मिलिटेंट एक्टिविटीज बहुत होते रहते हैं जिस वजह से उधर टूरिज्म इन्वेस्टमेंट्स वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। पर इस पॉइंट को थोड़ा सा साइड में रखे हम ये बोल सकते हैं अगर एक रीजन को स्टेटहुड मिल जाएंगे तो उधर के यू नो टूरिज्म, यू नो इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट्स है सब वो और प्रमोट कर सकते हैं। सो ये रिटर्न टू स्टेटहुड में हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द रीजन। तो बेसिकली रीजन में आज जो अनस्टेबिलिटी उसे और स्टेबलाइज कर पाएंगे अगर उन्हें स्टेटहुड मिल जाएंगे तो वो रीजन को मोर अट्रैक्टिव बना सकता है टूरिस्ट एंड इन्वेस्टर्स के लिए। सो इट कुड लीड टू द रिजम्पशन ऑफ नॉर्मलसी, लीडिंग टू बेटर टूरिज्म प्रोस्पेक्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। हालांकि इस पॉइंट थोड़ा सा यू नो प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि आज की स्थिति समझते हुए जम्मू एंड कश्मीर में उतने इन्वेस्टमेंट्स और टूरिज्म प्रोस्पेक्ट्स नहीं है, क्योंकि रिसेंटली भी आपको पता होगा करीब एक हफ्ते पहले उधर 7 लोगों का डेथ हुआ था, मिलिटेंट्स ने मार दिया था जिसमें एक डॉक्टर भी शामिल थे। ठीक है, तो ऐसा देखते हुए आप इस पॉइंट को इतना जोर नहीं दे सकते, फिर भी एक रीजन को स्टेटहुड मिलने के फायदा में आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, समझ रहे हो ना। फिर लोकल अकाउंटेबिलिटी ऑब्वियसली आ जाएगा जब एक स्टेट गवर्नमेंट बन जाएगा ना, दे वुड बी मोर अकाउंटेबल टू द लोकल पॉपुलर्स, एनेबलिंग दम टू रेज ग्रीवियंसेस एंड डिमांड एक्शन फ्रॉम द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो बेसिकली जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मोर अकाउंटेबल होंगे जब उन्हें स्टेटहुड मिल जाएगा। मैं इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए आज की डेट में यू नो सेंटर का ज्यादा यू नो पावर है यूनियन टेरिटरी के ऊपर, बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। अब उधर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को जब उससे जब सवाल पूछेंगे लोग, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो वो सीधा ये बोलेंगे, मतलब उनके पास एक एक्सक्यूज रहेगा कि देखो ये तो सेंटर का खेल है, सेंटर का कंट्रोल है, सेंटर कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा होगा। पर एक फुल फ्लेज स्टेट गवर्नमेंट या स्टेटहुड मिल जाएंगे तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स उतना बच नहीं पाएंगे लोगों का सवालों से। ठीक है ना, तो इतने पॉइंट्स आप यू नो प्रोस में बोल सकते हैं। आप कॉन्स में क्या क्या बोलेंगे? आप कॉन्स ऑफ ग्रांटिंग स्टेटहुड, देखिए कॉन्स तो बहुत है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का आज की स्थिति को समझते हुए आप सबको मालूम है बहुत सारे कॉन्स है इसका। नंबर वन सिक्योरिटी कंसर्न्स, देखिए स्टेटहुड ग्रांट करने से उधर के सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेट हो सकता है क्योंकि वो एक सेंसिटिव रीजन है, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रहे हैं एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक इंटरनेशनल बॉर्डर है जम्मू एंड कश्मीर का पाकिस्तान के साथ, आपको मालूम है। सो सम आर्ग्यू दैट इट माइट लिमिट द सेंट्रल गवर्नमेंट्स एबिलिटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की आज की जो एबिलिटी है उधर के मिलिटेंसी एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कंट्रोल करने का, वो प्रॉब्लम हो सकता है, वो इतना ठीक से नहीं कर पाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास जब पावर्स आ जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट बोलेंगे इसमें आप इंटरफेयर मत करो, ये हम करेंगे वो हम करेंगे, इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं। पर जब सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल देंगे ना तो वो और अच्छे तरीके से ये काम कर सकते हैं। बेसिकली यू नो
सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द मिलिटेंसी एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म मोर इफेक्टिवली। सेकेंड पॉइंट, पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड रीजनल टेंशन। देखिए, उस रीजन का कॉम्प्लेक्स पोलिटिकल हिस्ट्री आपको मालूम है, पीओ के एकदम बगल में है, सो उधर ऑलरेडी कई सारे रीजनल टेंशन हैं। तो स्टेटहुड आने से यू नो ऐसा एक रीजन को एडमिनिस्टर करने में बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। ऊपर से लोकल पॉलिटिक्स जो ऑलरेडी चल रहा है उधर, दे कैन इट कैन लीड टू कम्युनल और सेपरेटिस्ट टेंशन ऑल्सो। उधर सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज बहुत होते रहते हैं आपको मालूम है। तो यू नो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पास जब ज्यादा पावर्स आएंगे, ये सब और यू नो उठ सकता है। फिर पोटेंशियल फॉर पॉलिटिकल एक्सप्लोइटेशन। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में हर एक चीज को पॉलिटिकल एक्सप्लोइट किया जाता है। तो क्रिटिक्स ये भी कहता है दोस्तों, स्टेट को ग्रांट करने से लोकल लीडर्स उस सिचुएशन को एक्सप्लोइट कर सकते हैं उनके पॉलिटिकल गेन्स के लिए, ठीक है। फिर वो और ऑटोनॉमी के लिए पुश करेंगे, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो रिलेशन है वो और स्ट्रेन हो सकते हैं। अब जम्मू एंड कश्मीर ऐसा एक रीजन है दोस्तों, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को यू नो बहुत ज्यादा फोकस देना पड़ता है, और जम्मू एंड कश्मीर में यू नो इस तरह के कुछ अनस्टेबिलिटी रहेंगे, सो देर कैन बी प्रॉब्लम्स। लाइक यू नो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में हमेशा प्रॉब्लम्स होते रहेंगे, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेशंस जितना खराब होगा जम्मू एंड कश्मीर के साथ, उतना वो इनफेक्टिव तरीके से हैंडल कर पाएंगे बाकी सारे मेजर इशूज को। फिर इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऑन द सेंटर। अब दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, स्टेटहुड देने से मोर कंट्रोल मिल जाएगा स्टेट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को रीजनल इश्यूज के ऊपर, बट जम्मू एंड कश्मीर ऐसा एक रीजन है जिनका लिमिटेड रेवेन्यू जनरेशन है। उनका रेवेन्यू जनरेशन मेनली डिपेंडेड ऑन टूरिज्म एक्टिविटीज है, और जम्मू एंड कश्मीर की यू नो स्थिति को समझते हुए, सिचुएशन को समझते हुए, उधर उतना टूरिज्म एक्टिविटीज आजकल नहीं हो रहा है, इसलिए वो कंप्लीटली डिपेंडेड है किसके ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। सो क्रिटिक्स का आर्ग्यूमेंट यह है, मेंटेनिंग जेएनके से यूनियन टेरिटरी इंश्योर्स फोकस सेंट्रल फंडिंग एंड एवरसेट। तो अगर जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी रहेंगे तो ऑब्वियसली सेंटर को फंडिंग देना ही पड़ेगा, सेंटर ही देख लेंगे सब कुछ। पर स्टेटहुड देने से फिर यह प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब स्टेटहुड मिल जाएगा पर हर एक चीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास रेवेन्यू नहीं है। फिर एक मेजर प्रॉब्लम यह होगा, रिवाइवल ऑफ आर्टिकल 370 डिमांड्स। आर्टिकल 370 ऑलरेडी रिवोक हुआ है, अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करके वो खत्म हो गया, पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे प्लीज पड़ा हुआ है कि आर्टिकल 370 को रिस्टोर करना चाहिए करके। तो अगर जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे तो अगला डिमांड ये होगा कि हमें पहले जैसा स्पेशल स्टेटस दे दो, आर्टिकल 370 को वापस लेके आओ जो अगस्त 2019 में अपग्रेड हुआ था। तो इसे और पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस है, ठीक है। तो इतने सारे कौन सा बता सकते हैं, तो ऐसे समरी, जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड ग्रांट करने का अपॉर्चुनिटीज भी है, चैलेंजेस भी है, जो मैंने आपके साथ अभी तक डिस्कस किया। ऑब्वियसली इट वुड रिस्टोर डेमोक्रेटिक राइट्स, इट वुड प्रमोट लोकल अकाउंटेबिलिटी, इट विल इंप्रूव गवर्नेंस, ये सब अच्छी बातें हैं। हाउएवर द पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स रिमेन सिग्निफिकेंट चैलेंजेस। तो जितने चैलेंजेस कॉन्स मैंने बोला, ठीक है, ये सब सिग्निफिकेंट चैलेंजेस रहेगा। अल्टीमेटली एनी डिसीशन शुड बैलेंस द एस्पिरेशंस ऑफ लोकल पॉपुलेशन विद नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी कंसिडरेशंस। तो जो भी डिसीजन आते हैं इसके बारे में कि जम्मू एंड कश्मीर को फुल फ्लड स्टेटहुड देना है कि नहीं, ये डिसीशन एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए बिटवीन लोकल पॉपुलेशन का जो एस्पिरेशन है और नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी कंसिडरेशन से। मतलब लोकल पॉपुलेशन के एस्पिरेशन हो सकता है कि हमें स्टेटहुड चाहिए, हमें ऑटोनॉमी दे दो वगैरह वगैरह, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई कि नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी को कंसिडर करना, उसे जोरदार रखना, है कि नहीं। तो दोनों के बीच में एक बैलेंस किस तरह मेंटेन करते हैं, दिस विल बी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट ग्रांटिंग स्टेटहुड टू यू नो जम्मू एंड कश्मीर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बारे में आपका क्या राय है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।